साथियों, कैसे हैं आप सब। पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी यानी पटना लॉ कॉलेज का सेकेंड लिस्ट आ चुका है। और आप सभी को हम बता दें कि सेकेंड लिस्ट में क्या कट ऑफ है, कितने कट ऑफ कम हुए हैं, ये आप देख लो। और एक चीज की और मैं गारंटी देता हूं, इसके बाद वाला ऐसा कोई बहुत बड़ा लिस्ट नहीं आएगा। मतलब उसमें 10-20 बच्चों का नहीं आएगा, 2-4 बच्चों का आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियरली कह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है तीसरा लिस्ट भी आए, क्योंकि इस बार के कट ऑफ का हिसाब किताब मैंने बताया था आपको। क्या कट ऑफ था वो पिछले फर्स्ट कट ऑफ जो था वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, तो वो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आइए इस कट ऑफ को एनालाइज करते हैं और इसके बारीकियों को समझते हैं, ताकि आपको जो है बेहतर एक ओवरव्यू मिल जाए। देखेंगे आप, अगर इसमें देखेंगे तो ईबीसी जो बच्चे हैं यानी 300 सीट में इस बार अनरिजर्व के 7 बच्चों का आया है। पीएच अनरिजर्व में 2 है, एससी 7 है, एससी पीएच 2 है, एसटी 0 है, ईबीसी 5 है, ईबीसी पीएच 3 है, बीसी 3 है, बीसी पीएच 2 है, डब्ल्यूबीसी 1 है और ईडब्ल्यूएस 3 है, ईडब्ल्यूएस पीएच 1 है। तो टोटल सीट जो इस बार दिया गया है वो वैकेंट सीट कितने, 36 का रिजल्ट दिया गया। मैंने बोला ना कि जितने बच्चों को बुलाया जाएगा, एक तो पहले 120 का एडमिशन होता था, इस बार 300 का हो रहा था, ये एक बढ़िया चीज है। लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत ही बेतरतीब था, तो जो नया वाला सिलेबस निकल करके आया है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी कोर्स की तैयारी करेंगे। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, चाह रहे हो कि 2025 में आपका रिजल्ट हो ही, तब आपके लिए ये ऑफर है। टीचर्स डे है, संडे तक ये ऑफर रहेगा, याद रखना। टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का तब तक ही मतलब है जब टीचर्स आपको ऑफर दे फ्री में, या किसी भी तरीके से आपको ज्ञान दे, पढ़ाएं, आपके साथ रहें इस ज्ञान के पूरे सीरीज में। टीचर्स डे का जो कूपन है, टीचर्स डे ही है, बिना गैप दिए हुए आपको कूपन अप्लाई करना है। किसी भी कोर्स को जब आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में पटना लॉ कॉलेज का कोर्स होगा, या और भी हमारे ऐप पे जाएंगे, स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, जैसे आप स्टोर में जाते हैं ना, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, वैसे ही स्टोर सेक्शन में एप्लीकेशन पे जाना है और देखना है सारे कोर्सेज का, आपके काम का जो भी कोर्सेज होगा। आप डीयू बीएचयू लॉ भी ट्राई कर सकते हो, तो 50% ऑफ के साथ 10% हम लोग दे रहे हैं। और ये ऑफर हमेशा नहीं आता है, याद रखिएगा। पैसे का अरेंजमेंट कर लो, 3 दिन तक रहेगा ये ऑफर। मैं समझ रहा हूं बिहार यूपी के बच्चे जो जिनको मनी प्रॉब्लम है उनके लिए, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू, आप जरूर अवेल करिए। आते हैं इस बार वाले सेकेंड का, जो सेकेंड कट ऑफ आया है उस पे। अगर आप लोग देखोगे यहां इंट्रेंस मार्क्स दिया हुआ है इस नंबर पे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आपको दिख जाएगा। तो ये जो अमन कुमार सिंह है, अनरिजर्व के हैं, 62 नंबर इनका है। अब अनरिजर्व में आखिरी बच्चा जो है, जो आया है, 61 नंबर है। तो आप सोचो कट ऑफ का क्या हाल है अभी। एक चीज और मैं बताऊं आपको, यहां देखोगे आप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर पटना यूनिवर्सिटी वालों का हो जाता है, ये हो जाता है, घंटा नहीं होता है। देख लो कहां कहां से बच्चे आ रहे हैं, वीटीयू, मगध यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी है ना, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, यहां से बच्चों का होता है। तो ये फालतू की बकवासबाजी से नहीं चलता है, आपको पढ़ना पड़ेगा और एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। अब है बीसी कैटेगरी की हम अगर बात करें, तो बीसी में 58 नंबर यहां पे आपको दिख रहा है, 58 यहां पे आपका कट ऑफ पहुंच चुका है। तीसरा आएगा भी या नहीं भी आएगा ये पूछने की जरूरत नहीं है, आ भी सकता है, 2-4-5 सीट इसमें से कोई एडमिशन नहीं लेता है तो ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, आपके ईडब्ल्यूएस में, अगर ईडब्ल्यूएस का तो हालांकि 3 बच्चों का हुआ है, लेकिन यहां एक ही दिख रहा है, तो 57 नंबर पे हुआ है ईडब्ल्यूएस का, फिर ईडब्ल्यूएस 57 ही है और यहां भी 57, मतलब ईडब्ल्यूएस का 57 से नीचे नहीं गया है। बीसी का आपने देख लिया 58। उसके बाद आते हैं एससी का, एलएनएमयू 54 है, एलएनएमयू ठीक है। अगला बढ़ते हैं एससी का, एससी का यहां पे 54 है, ठीक है, अभी भी देख रहे हो आप कहां पे 54, एससी का 53 तक गया। अनरिजर्व जो पीएच है उसका कैटेगरी आप यहां पे 31 देख रहे हो, अनरिजर्व में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप चीजों को समझो जरा बारीकी से, कि किसका कट ऑफ कैसे जा रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है, क्योंकि ये हर बार आपको परेशान करेगा। कट ऑफ ऐसा चीज है ना कि इसमें 1-2 नंबर से जब छूटता है ना, ऐसा मिजाज वो मचल के रह जाता है। देखो ईबीसी में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है और एंट्रेंस मार्क्स 54 है। तो आप इस चीज को समझो कि क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, कैसे आपका एक तरीके से सिनेरियो बदल रहा है धीरे धीरे करके।
और आने वाले टाइम में आपको अगर एग्जाम निकालना है तो टाइम से तैयारी करना पड़ेगा बच्चा लोग। और सिलेबस जो नया वाला है उसमें सिलेबस में भी कुछ बदलाव आया है, जैसे बिहार के करंट अफेयर्स और बिहार की चीजें, तो आप वो अपने कोर्स में, अगर कोर्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525, इस पे आइए हमसे बात करिए, आप अपने कोर्स का डिस्काउंट कूपन ले जाइए और तैयारी जम के कीजिए। हैप्पी टीचर्स डे।